आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मा चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बन्ना जी के अस्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। समस्त मुनि संघ की। ग्रंथराज मूलाचार्य जी में श्रमणों के सौंदर्य को विकसित करने के लिए बहुत सारी गाथाएं दी गई हैं। पूज्य गुरुवर के मुखाग्र बिंदुओं से जब मूलाचार्य ग्रंथ जी का स्वाध्याय कर रहा था, बहुत सारी गाथाएं एक एक करके श्रमणों के जीवन को कैसे विकासशील और विकसित किया जाता है उसके लिए आचार्य वटकेर भगवंत ने कही। उसमें एक गाथा बार बार मन को छूती रही। जब शिष्य पूरा प्रवीण हो जाता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, गुरु उसको शिक्षा दीक्षा इत्यादि देने के पश्चात सारी चीज़ों को समझा करके जब वह अपने गुरुवर से सब कुछ ले चुका होता है तो गुरु की आज्ञा लेकर के वो अन्यत्र भी अपने ज्ञान के क्षयोपशम को वृद्धिगत करने के लिए, तीर्थ की वंदना करने के लिए, अपने कर्मों का क्षय करने के लिए और भी प्रकृति के और उस चीज़ को जिसके बारे में जान करके अहिंसा की उपासना कर सकें, अपने गुरु की आज्ञा लेकर के अन्य साधुओं को साथ में लेकर के विहार करता है। विहार करता है ज्ञान के क्षयोपशम के लिए, तीर्थ की वंदना के लिए और भी अनेक शुभ निमित्त रहते हैं पंचकल्याण प्रतिष्ठा इत्यादि के निमित्त से। उस समय आचार्य वट्टिकेर महाराज ने साफ साफ एक बात कही कि जब अपने गुरु को छोड़ करके दूर आप जा रहे हैं, जाते वक्त रास्ते में जो भी कुछ मिलेगा, सचित अचित या मिश्र, जो भी कुछ मिलेगा उसका स्वामी आप नहीं हैं, उसके स्वामी आपके गुरु हैं। सचित में, अचित में और मिश्र में। सचित में मान लीजिए कोई शिष्य मिल गया, कोई ऐसा भव्य मिल गया जो कहता है मुनि महाराज आपके दर्शन करके पूजन वंदन करके ऐसा भाव आता है कि आपके चरणों में ब्रह्मचर्य लेकर के सेवा करूं, मुनि बनूं, आगे पुरुषार्थ करूं। कोई चित्त के सहित शिष्य मिल गया, उसका स्वामी वो बीच के मुनि महाराज नहीं होते। आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने शब्दों में साफ साफ कह दिया आपके गुरु उसके स्वामी हैं। किसी और भी कोई ब्रह्मचारिणी मिलती है, कोई मार्ग में कोई सदगृहस्थ मिलता है, उन सबका स्वामी भले वो हमसे जुड़ा है लेकिन स्वामी हमारे गुरु हैं। कोई अचित वस्तुएं मिल जाती हैं, किसी ने कमंडलू दे दिया, किसी ने पिच्छिका दे दी, किसी ने माला दे दी, किसी ने शास्त्र को स्वाध्याय करने के लिए शास्त्र इत्यादि दे दिया और भी संघ को चलाने के लिए कुछ और वस्तुएं भी दे दी, उनके लिए भी उसका स्वामी उसका गुरु है। और मिश्र भी है कि एक शिष्य के साथ शास्त्र भी मिल जाए, सचित्त के साथ अचित्त वस्तुएं भी आपके हाथ में आ जाए, उसका स्वामी भी वो जो मुनि सामने रास्ते में मार्ग में अपनी तीर्थ यात्रा के निमित्त से चला है, अपने कर्मों को काटने के लिए चला है या फिर किसी विशेष
स्वाध्याय इत्यादि के लिए किसी अन्य गुरु के पास जा रहा है, रास्ते में जो कुछ भी मिलता है उन सबका स्वामी उनके गुरु महाराज होते हैं। ये बात जब पूज्य गुरुवर हम लोगों से कह रहे थे, कहते वक्त पूज्य गुरुवर कहते हैं, देखो इस गाथा में कितना सौंदर्य है, इस गाथा का सौंदर्य क्या अद्भुत कहता है कि रास्ते में जो कुछ मिले अगर वो अपने गुरु को दे दिया जाए तो प्रकृति और परिस्थितियाँ कितनी सुंदर हो जाएंगी। आप सबको भी इस चीज़ से कुछ बात सीखने को है। हम लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा। आप गृहस्थ के में भी, आप जब छोटे बच्चे होते हैं 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, थोड़े और बड़े बच्चे होते हैं 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 55 साल के, उनसे भी बड़े बच्चे होते हैं 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, जिनके ऊपर उनके पिता का साया है, जिनके ऊपर जिनकी माँ का साया है, परिवार में तो वही आपसे गुरु हैं, बड़े हैं और गरिष्ठ हैं। रास्ते में मिलने वाली हर चीज़ के स्वामी अगर आप ना बन करके उनको बना दें तो आप देखिए कि आपको जीवन जीने में कितनी सहजता महसूस होगी। हमको रास्ते में किसी काम को करते वक्त किसी विशेष प्रकार का दुख मिला, मैं तो अपने काम से निकला था लेकिन रास्ते में दुख मिला, अब वो दुख अपने पास ना रख करके अपने पिता से कह दो। घर का सौंदर्य कैसे विकसित किया जाता है आप इस गाथा से सीखने का प्रयास करिएगा। रास्ते में कुछ भी मिलेगा उसका स्वामी मैं नहीं, कौन? मेरे गुरु। मेरे गुरु तो वहाँ डोंगरगढ़ में विराजमान हैं, और आपके परिवार में जो आप छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या बड़े बच्चे भी रहते हैं, 65 साल का वृद्ध भी बच्चा है क्योंकि 85 साल के बब्बा, उसके पिता भी अभी जीवित हैं, उसकी माँ भी है, तो 65 साल के बब्बा को कोई दिक्कत हो रही हो और उनके घर में उनके पिता जीवित हों तो कि छोटा सा कर्तव्य बनता है आपके जीवन काल में आपको जो कुछ भी मिले आप अपने गुरु को दे दीजिए। क्या मिले महाराज? आपको अपने जीवन काल में कोई दुख मिले, क्या करें हम? दुख गुरु को दे दीजिए, जाकर के गुरु से बोल दीजिए, महाराज हम अपना काम कर रहे थे, जीवन में ऐसा दुख आ गया। दुख बोल दिया बहुत अच्छी बात, लेकिन जब सुख मिले तो सुख भी अपने गुरु को दे दीजिए। आपका रास्ते में अपने जीवन में सर्वाइव करते वक्त हमारा कुछ है ही नहीं, सुख मिले तो गुरु का है। आज किसी विशेष प्रकार का लाभ मिल गया, आप अगर किसी को अपना गुरु मानते हैं तो आप अपने गुरु को जाके बताइए, महाराज इस बार रक्षाबंधन में राखी का व्यवसाय करने की कोशिश करी, सोचा था करूं और जब कर दिया तो करने के बाद खूब लाभ मिला। क्या मिला बता दीजिए? 1 लाख रुपए की राखी लाए थे, 5 लाख रुपए हो गए। अब दुख तो बताने के लिए गुरु के पास गाड़ी चला करके पहुंच जाते हैं, सुख बताने के लिए आप अपना अपने गुरु के पास कितनी बार पहुंचे हैं एक बार सोचिएगा। क्योंकि आचार्यों ने तो बोल दिया शिष्यों से कि रास्ते में जो कुछ भी मिले सब गुरु का, सुख भी गुरु का, दुख भी गुरु का, संपत्ति भी गुरु की, हानि भी गुरु की, लाभ गुरु का, विपत्ति भी गुरु की। घर के अंदर कोई विपत्ति आई, अपने को उसको स्वामी मानते क्यों हो? तुम्हारे घर में कोई विपत्ति है तुम उसको अपना स्वामी मानते क्यों हो? उसको अपने स्वामी अपना ना मान करके अपने गुरु को दे दो। घर के अंदर विपत्तियां हैं, हम अपने गुरु से कहने जा रहे हैं, उनने हमसे कहा था मार्ग में चलते वक्त जीवन की सुखमय यात्रा बनानी हो कुछ भी मिले सब गुरु का, जीवन मिले गुरु का, मरण मिले वो भी गुरु का, जीवे मरने लाहा लाहे, संयोग मिले कोई अच्छी चीज मिल जाए भाग्य से हमारी नहीं है हमारे गुरु की है, वियोग हो जाए किसी इष्ट वस्तु हाथ से चली जाए
हम दुखी हो क्यों रहे हैं, हम उसके लिए चिल्ला चौट क्यों मचा रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, जाके अपने गुरु से कह देते हैं ना। क्या कह देते हैं, मुझे ये वस्तु बहुत प्रिय थी और आप मेरे गुरु हैं, ये वस्तु मुझे मेरे पास से चली गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब हम अपने जीवन में इस स्तर का कोई सौंदर्य उत्पन्न करें, कुछ इस स्तर का कोई पुरुषार्थ करके देखें, फिर आप देखिएगा आपको जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक संकलेश नहीं होगा। हमको जीवन में मानसिक संकलेश क्यों होता है, हानि को हम अपनी समझते हैं, लाभ को भी हम अपना समझते हैं, किसी भी प्रकार के संयोग को हम समझते हैं कि हमने कर दिया, वियोग में भी हम स्वयं दुखी होना की कला सीख गए हैं, ये चीज़ हमारे हाथ से जा रही जा रही जा रही, अरे जा रही है ये तो पता ही है, बस उनको बताना है जिनको पता नहीं है। जीवन में इसलिए एक बहुत धैर्यवान गुरु की तलाश होती है। वो गुरु मिलते हैं जीवन की कई उतार चढ़ाव से, वो एक विराम दे देते हैं। नदी को देखिएगा, कितने भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलती हो लेकिन वो दिखती तो बिल्कुल समतल है। ऊपर से नदी कैसी दिखती है, एक से बहाव वाली, और अंदर से क्या रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, जिगजैग रहता है। आपको भी ऐसा लगता है कि हमको समतल जीवन जीना है, तो अपनी ऊपर खाबड़ता जितनी भी जीवन की है उसको ले जा करके अपने गुरु के चरणों में धरने का प्रयास करिए। कलाएं हैं हम भूल गए, हमको लगता है कि हम अपने घर के मालिक हैं। जब तुमने अपने घर के खाते में महावीराय नमः लिख दिया, अपने खाते में आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमः लिख दिया, जब अपने घर के खाते में प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय लिख दिया, समय सागर जी मुनिंद्राय लिख दिया, वीर सागर जी मुनिंद्राय लिख दिया, किसी ने अपने खाते में विनम्र सागर मुनिंद्राय लिख दिया, जब तुमने खाता खोलने से पहले लिख ही दिया है कि हमारे घर में तीन स्वामी हैं, भगवान महावीर स्वामी है, आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज स्वामी है, या फिर प्रमाण सागर जी महाराज स्वामी है, या फिर सुधा सागर जी महाराज स्वामी है, या फिर विनम्र सागर या वीर सागर जी महाराज स्वामी है, जब तुमने शुरुआत ही कर ली है ना तीन नाम को लिख करके, तो फिर संकल्प करो जीवन में जो भी मिलेगा पूरे साल भर में, सुख मिले दुख मिले, संयोग मिले वियोग मिले, लाभ मिले हानि मिले, जीवन मिले मरण मिले, मैं इसका स्वामी नहीं। ऊपर क्या लिखा था, आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय सदा सहाय रहें, ऐसा लिख दिया था ना, लिखा है आपने। दीपावली में जब खाता बही बदलते हैं तो सबसे पहले यही लिखते हैं, महावीर स्वामी सदा सहाय रहें, आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र सदा सहाय रहें, मुनिराज वीर सागर जी विनम्र सागर जी प्रमाण सागर जी महाराज सदा सहाय रहें। जब तुमने धैर्यपूर्वक अच्छे लड्डू खा के अच्छे से बैठ करके अच्छा चिंतन करके अपने गुरु का नाम अपने खाते में लिख दिया, अब लिखने के बाद भूल गए, पहला पन्ना याद ही नहीं करते, शुरुआत कैसे करी हमने अपने जीवन की, तीन लोगों की सहायता मांग ली है तो उसकी सहायता का उपयोग करो भाई। जब कभी जीवन में दुख मिले, जब हमने लिख ही दिया है तीन लोग हमारे सहयोगी हैं, तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करो, कहाँ से, जो अपना इष्ट गुरु है और जिसके पास हम जाने की सामर्थ्य रखते हैं। सबसे पहले हमको जीवन में कोई सुख मिलेगा तो फोन करके बताएंगे अपने गुरु को, दुख मिलेगा उसको भी संकेत भेजेंगे गुरु के पास, जो श्रावक वहाँ पर रहते हैं वो आपकी बात गुरु तक पहुँचाएंगे। क्यों, खाते में हमने लिख दिया था जब अपने गुरु का नाम, बताना तो पड़ेगा, मूलाचार में तो लिख दिया, रास्ते में जो भी मिलता उसका स्वामी उसका गुरु है। आप अगर इस बात को सीख लें कि आपको रास्ते में जो भी चीज़ मिलेगी उसके स्वामी आप नहीं हैं, आपका गुरु है, जीवन बहुत सरल हो जाता है, बंद बहुत ज़्यादा सरल। हमने जीवन में दो पैसे की पेन चला करके किसी को अपना गुरु का नाम तो लिखा लेकिन अपने हृदय में किसी को अपना गुरु माना नहीं।
अंदर तो हम अपने घर का स्वामी अपने आप को ही मानते हैं। जब विपत्ति आती है तब जरूर यदा कदा आपको अपना गुरु याद आता है, लेकिन सुख में कभी भी आपको आपका गुरु याद नहीं आया। घर के अंदर हमने महाराज 2 करोड़ की शादी कर रहे हैं, वक्त से पहले जाके गुरु को एक बार बता तो दो, बोलो तो महाराज बेटी का संबंध पक्का किया है, आपके आशीर्वाद से आपकी सहायता से घर के अंदर 2 करोड़ का द्रव्य है बेटी को दे रहे हैं, आप आशीर्वाद दो। पहले से बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। गड़बड़ क्या हो जाएगा, हमारे गुरु हैं, अगर उनने कुछ कह दिया और हम पूर्ति नहीं कर पाए या नहीं मान पाए तो फिर क्या होगा। अभी आए थे हमारे पास कुछ लोग, महाराज बेटी का संबंध पक्का कर दिया है बहुत बड़े घर में, आपको बताने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए। हमने कहा बहुत अच्छे। हमने उनसे पूछा कि शादी कहाँ से करोगे, बोले महाराज बहुत बड़ा रिसॉर्ट है उधर से शादी करेंगे। कितना खर्चा करोगे, महाराज 20 लाख, 2 करोड़। महाराज हमने कहा बहुत अच्छी बात, अपनी बेटी को 2 करोड़ दो, लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं हम जहाँ से चाहते हैं वहाँ से शादी कर लो। हाँ महाराज आप जैसा बोले, डेस्टिनी वेडिंग करना है महाराज। हमने कहा डेस्टिनी ही करना है, हम भी वही कह रहे हैं कि जब पता है कि हमको अपनी बच्ची की शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो क्यों ना ऐसा करें कि खजुराहो से शादी करें। अरे महाराज मन की बात कह दी आपने, हम खजुराहो ही सोच रहे थे शादी करने के लिए। बड़ी बड़ी होटलें हैं, ललित है, रमाडा है और जो जो विभिन्न प्रकार की होटलें हैं वहीं से सोच रहे थे। हमने भी उससे कहा, मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, खजुराहो में शादी करो, डेस्टिनी वेडिंग करो, लेकिन वेडिंग करो तो शांतिनाथ भगवान के जिनालय में उपस्थित होकर के करो। हम जैन समाज के बहुत समृद्ध बड़े बड़े लोग हैं, अपने घरों में विवाह करते हैं, कोई रिसेप्शन करते हैं, शादी करते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में करते हैं, जिन होटलों में मांसभक्षी लोग आपके लिए भोजन बनाते हैं वहाँ की कटलरी यूज़ करते हैं, जिस कटलरी में थोड़ी देर पहले किसी को बिरयानी दी गई होगी या चिकन दिया गया होगा उसी को धो पोंछ करके आपके लिए उपस्थित करा दी जाती है। लगार भी हमारे यहाँ वर्जित है, बंधुओं समझिएगा इस बात को। लगार समझते हैं, किसी अशुद्ध द्रव्य की चम्मच है उसको ऐसे पानी में डोप करके भी अगर इसमें डाल दी तो भी ये भोजन खराब हो जाता है। ऐसी विचारधारा वाली कौमें जब परिवार के बड़े बड़े लोग अपने बच्चे का रिसेप्शन, अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी, अपने बच्चे या परिवार के लिए गेट टुगेदर या फिर अपनी फैमिली को घुमाने के लिए जब जा कर के किसी नॉन वेजिटेरियन 3-स्टार 4-स्टार होटल में ठहरते हैं और वहाँ पर ठहर करके अपने द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं, 50 लाख खर्चा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 2 दिन में 50 लाख फिर आ जाएगा। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से और बड़े बड़े गुरुओं के निर्देशन में खजुराहो तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने ऐसा विकास किया बंधुओं कि 70 कमरे की लग्जीरियस एसी धर्मशाला बनवा करके उनने तैयार कर ली। बड़ी बड़ी होटलों में जैसे कमरे मिलते हैं ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में 70 से ज़्यादा कमरे अवेलेबल हैं, डोरमेट्री है, अच्छी कैटलरी है, तो क्यों ना जब हम दीपावली के बाद अपने घर में बेटियों का संबंध करें या बेटों का संबंध करें तो इस बात की सौगंध खा करके करें कि भैया शादी कितनी भी बड़ी करेंगे लेकिन करेंगे डेस्टिनी, क्योंकि हमारे घर में दिखाना तो पड़ता है जलवेदारी। जब वॉल्वो बस 6 जगह से 6 वॉल्वो खड़ी हो गई, फ्लाइट से कोई उतर रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, हेलीपैड भी है, एयरपोर्ट भी है, ट्रेन का रूट भी है, वॉल्वो बस खड़ी करने की जगह भी है, डेस्टिनी वेडिंग के लिए खजुराहो है, पूरी दुनिया देखने के लिए आती है,
वहां पे शांतिनाथ भगवान का जिनालय भी है, 70 कमरों की धर्मशाला भी है। बस अब कमी किस बात की है? कमी है हमको अपना यहाँ से मन बनाने की कि हम अपने परिवार की खुशियाँ या तो अपने गुरु के बीच में बांटेंगे या अपने प्रभु के बीच में बांटेंगे। अगर आपने ऐसा भी छोटा सा संकल्प कर लिया कि हमको कहीं पर भी रहना है, अपने परिवार की हर खुशी में हमारा गुरु शामिल होगा, हमारे परिवार की हर खुशी में हमारे गुरु शामिल ना हो पाए तो हमारा प्रभु शामिल होगा। अब गुरु तो आपकी शादी में आ नहीं सकते, आप कार्ड तो देते हैं क्या? महाराज हमारे लड़के का संबंध है, पहला कार्ड आप ही को रखने आए। ये ऊसई वाला कार्ड होता है। ऊसई वाला कैसा होता है कि हमने शुभ मान के आपको कार्ड दे दिया लेकिन एक सीपल भी चढ़ा दिया, गलती से शादी में आ मत जाइयो, नहीं तो बाजा की जगह बैराग्य भावना भजन लगे। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। ये बोलने लगेगी बाजे तो आपने क्या किया कि भैया गुरु के सामने कार्ड तो चढ़ा के आए लेकिन एक सीपल भी चढ़ा दिया, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। मान लो कभी कल्पना करो तुम्हारे घर में दिन में शादी हो, महाराज 12 बजे 11:30 बजे आहार करके कहीं से लौटे हो, तुम्हारी बारात लग रही हो, विशेष भक्त हो तुम भगवान के, गुरु के, गुरु बोले हमारे भक्त की शादी है चलो हम भी 10 मिनट बैठ जाते हैं, और अगर गलती से गुरु तुम्हारे जन्माशय में आकर के बैठ गए तो सोचो कैसी हाल होगी। सोचो कभी कल्पना करो कि 3 मुनि महाराज हमारी शादी में आकर के बैठ गए तो काय का उपदेश देंगे? गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद तो दे देंगे लेकिन बोलेंगे तो यही, भैया देखो अच्छा तो अभी भी वक्त है, मोक्ष मार्ग ही अच्छा है, एकला चलने वाली गाड़ियां बहुत अच्छी होती है। महाराज कान में दूल्हे के बोलेंगे अरे पगले कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी टाइम है, लोग तो खा के चले जाएंगे, 2-5-10 लाख बर्बाद होगा, तेरी जिंदगी बच जाएगी, तू दीक्षा ले ले। तो आप क्या बोलेंगे? महाराज शादी का कार्ड तो धरा लेकिन शादी में आना मत। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा शादी का कार्ड भी देख लेंगे और आएंगे भी नहीं, लेकिन हम तुमसे कहना चाहते हैं जब तुम्हारे जीवन में खुशियों में गुरु की सहयोग या सहमति या उपस्थिति असहनीय हो तो इतना तो संकल्प करो कि गुरु की ना सही हम प्रभु की उपस्थिति में अपनी खुशियां मनाएंगे। हमको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है, अच्छे से मनाओ ना, किसने मना किया? होटल में मनाने की अपेक्षा अगर हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के वहां पर मना लें तो आपत्ति क्या है? एक पंथ दो काज, बच्चे का वर्धंती महोत्सव भी मना लेंगे, सारे लोगों को तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का मौका भी मिल जाएगा। वहीं पे अपने रसोइयों लोगों को बुलवा लो, भैया जो गुलाब जामुन तुम 3-स्टार होटल में खिलाते थे वो तुमने अगर खजुराहों में खिला दिया तो क्या गुलाब जामुन का टेस्ट बदल जाएगा? टेस्ट तो वही रहेगा लेकिन महाराज अहंकार की ऊंची पहाड़ियों को लांग करके नम्रता की नीची समतल जगहों में चल करके अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित करना हम जैसे अहंकारी लोगों से आता ही कहाँ महाराज। आप बोलते हैं खजुराहो में डेस्टिनी वेडिंग कर लो, खजुराहो तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन पहुंचेंगे ललित और रमाडा में। शांतिनाथ भगवान के जिनालय में कभी आप जाकर के देखिएगा, 12 एकड़ की भूमि पर इतना बड़ा विस्तृत जिनालय है और हेरिटेज है। जब आप वहां पे वेडिंग की शूटिंग भी करेंगे ना बंधुओं तो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगे कि लोग बोलेंगे कि हाँ इतिहास में पहली और सबसे बड़ी सौंदर्यवान विवाह हुआ। उसमें एक सौभाग्य और मिलेगा जहाँ आप अपने जब कभी ललित या रमाडा में अपने घर में शादियाँ करते हैं तब क्या करते हैं? डियर बियर एंड चीयर तो नॉर्मल बात है, बियर भी अवेलेबल है, वाइन वोदका शराब गंदे गंदे फुवड़ वाले मजाक गड्डियाँ जुए, इसमें कितना पैसा बर्बाद होता है, ड्रग्स सिगरेट स्मोकिंग, क्या ये सब चीज़ों के लिए शादियाँ हैं? नहीं है महाराज, हमने तो सोचा था हमारी बेटी को बहुत सारे लोग आकर के आशीर्वाद देंगे कि दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते, लेकिन हमारी बेटी के शादी के निमित्त से सैकड़ों लोग दारू पी करके चले गए, सैकड़ों लोग ड्रग्स की सिगरेट पी करके चले गए, सैकड़ों लोग हमारी बेटी को, वो बेटी
जिसके लिए मंदिर में जाकर के हाथे लगवाए, जिसके लिए हम लोगों ने, बेटियों ने, माओ ने मंगलाचार किए, पिता ने पुरुषार्थ करके संपत्ति इकट्ठी करी, भगवान से प्रार्थना करी कि हमारी बेटी का बहुत अच्छे घर में विवाह हो जाए महाराज, हम गंगा नहाएं, ऐसे करके फिर आप जो बोलोगे वो करेंगे। जब उस बेटी के दाम्पत्य जीवन का पहला कदम रखा जा रहा था, जब वहाँ पर अरहंतो इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा करके माड़ना रखा, यंत्र जी की स्थापना करी, अग्नि की आहुति दे करके आप लोगों ने वहाँ पर अपनी बेटी को साथ संबंध संकल्प कराए, और जिन लोगों को बुलाया एक नंबर के दारूखोर निकले, उनको तुम्हारी लड़की की शादी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो बस भैया बियर बार का सेक्शन कहाँ है ये बता दो। अब बार के सेक्शन वालों से आप अपनी बेटी के संबंध करा करके और वहाँ पे शादी करना चाह रहे हैं, अपने सुख में अपने गुरु को या फिर अपने प्रभु को अगर आपने सहयोगी बना लिया होता तो आपके यहाँ की बहुमूल्य संपत्तियाँ ड्रग्स में, बियर में, दारू में, जुए में, कैबरे में, फुहड़ मजाक में कभी नहीं गई होती, कभी नहीं आपके घर के अंदर बंदूकें चली होती। इतिहास लिखा जाता हमारी बच्ची ने जितना खर्चा हमको बेसनों में करना था उतने के तो हमने अपनी बच्ची के लहंगे में हीरे लगवा दिए, वो भी कैसे, बोले प्योर डायमंड लगाया, जरकन नहीं। जरकन क्या होता है पता है, जरकन भी हीरा ही होता है, लेकिन जब उसको तराशते हैं, तराशते तराशते उस हीरे में जर्क लग करके एक रेखाएं खिंच जाती हैं, स्क्रैच पड़ जाता है, स्क्रैच करने पड़ने पर 1 करोड़ के हीरे की कीमत 100 रुपए बचती है। फिर वो मार्केट में आपको जरकन के नाम से कोई 5,000 का, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का मिल जाता है, ओरिजिनल होता तो 1 करोड़ का, स्क्रैच पड़ गई लाइफ में तो 1 लाख रुपए में पहन लो। लेकिन फिर भी दूर से देखने वाले बता देते हैं कि ये प्योर नहीं पहना है, जरकन पहना हुआ है। हमने अपने बच्चों के उस सौंदर्य को विकसित करने के लिए माता पिता ने कितना पुरुषार्थ किया, कितना सोचा, सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 1:30 बजे तक पागलों के जैसे लगे रहे, बेटी की शादी करनी है, कम से कम 40 तोला सोना देना है, ये करना है, वो करना है, शादी में रिश्तेदार आएंगे, विवाह करना है, सबको मानदान देना है, दामाद को गोल्ड की चैन देनी है, अच्छे कपड़े देने हैं, कितने चीज़ों के लिए मेहनत करी। एंड वक्त में जब बेटी का विवाह हो रहा था तब आपके तमाम रिश्तेदारों में से 60% रिश्तेदार दारूखोर निकले, उनको शराब चाहिए, सिगरेट चाहिए, ड्रग्स चाहिए, जुआ चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों को। अगर मान लीजिए आपने उस द्रव्य को व्यय करने का मात्र स्थान बदल दिया, अब क्या करेंगे, अब क्या मंदिर में कोई शराब पिएगा? भैया जैन साहब बहुत ही दिमागदार निकले, ऐसो बुरो फसाओ, शांतिनाथ भगवान खजुराहो में शादी करी बिटिया की 2 करोड़ की, खाबे के लाने सब दो, लेकिन 7 बजे के पहले, चीज़ें इतनी थी कि खात खात रात हो गई, पूरी चीज़ें खा नहीं पाए। वैभव दिखाओ तो तरीका थोड़ा और अच्छा हो, समाज भी समृद्ध हो, क्षेत्र भी समृद्ध हो। गुरुवर के उस दीर्घगामी उस दृष्टिकोण से खजुराहो में भी 400 करोड़ रुपए का जिनालय बन रहा है बंधु। उस 400 करोड़ रुपए के जिनालय में आप एक कल्पना करके सोचिएगा कि आप कभी जाएंगे, बोले आपको प्रतिमा रखनी है तो आप भाव नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि अपने घर की कोई भी खुशी हो, किसी भी प्रकार का विशेष महोत्सव हो, अगर आप संपन्न हैं तो डेस्टिनी वेडिंग करने के लिए खजुराहो पधारिए। खजुराहो के शांतिनाथ जिनालय में आपको ऐसी समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम मिलेगी, पलक पावड़े बिछा करके आपकी पूरी व्यवस्था करते हैं वो, और जहां आप 50 लाख रुपए का द्रव्य खर्चा करते हैं वहां 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए में आप अपने छोटे पैसा बचा भी सकते हैं और बहुत अच्छी वेडिंग करके घर के अंदर से वापिस भी आ सकते हैं। कितना सौंदर्य है कि नहीं? लेकिन हम कहाँ फंसे? अरे महाराज, बिना थोड़ा डियर बियर एंड शेयर के कोई शादी भी शादी होती है क्या? ऐसा सोच करके वे संपन्न लोग जो मंदिर में आकर के सुबह शांति धारा करते हैं, शाम को उनके मुंह में शांति धारा दूसरे तरीके की चली जाती है,
बोले भैया ये क्या चल रहा है, कि क्या हो गया? बोले क्या बताएं, वो आचार श्री भी नहीं छूटते और राश्री भी नहीं छूटता। पैसा है तो व्यसन भी करेंगे और दान भी देंगे। इस तरीके से वो ही बात हो गई कि गधे को रोटी खिलाई, पाप मिलो ना पुण्य, सब बराबर हो गया। अगर आपका जीवन शैली ऐसी है, आपने ऐसा किया है, आप ऐसा करने जा रहे हैं, आपने मन बनाया है कि हम ऐसा करेंगे, अपने बच्चे की शादी ऐसी बेहतरीन होटल से करेंगे, लोग देखते रह जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम सारी जैन सोसाइटी के लोग अपने क्षेत्रों को डेवलप करें, क्षेत्रों को डेवलप करें। अगर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो डेवलप क्षेत्र हैं उनमें आकर के हम अपना वेडिंग, अपनी खुशियां मनाएंगे। एक पंथ दो काज होगा। अगर आपका 2 रुपये भी बच गया अतिरिक्त बंधुओं, तो शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान के जिनालय की ऊर्जाओं में लग जाएगा। आपको इस बात का संतोष होगा कि हमने अपनी बच्ची की शादी कराने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के बीच में एक शांति विधान किया, परिक्रमा लगाई, भगवान की पूजन करी। अरे चांदी के द्रव्य की थालियां चढ़ाओ ना वहां पे, किसने मना किया है? लोग आपका वैभव आपकी चढ़ाई हुई द्रव्य से देखेंगे। भैया वे इतने बड़े वाले निकले मोड़ा के ब्याह में, 8 किलो चांदी की द्रव्य चढ़ाई उनने शांतिनाथ भगवान के दरबार में। जितने की लोगों को पिलाते उतने की तुमने अगर चांदी की द्रव्य चढ़ा दी तो क्या तुम्हारी रंगदारी दिखाई नहीं देगी लोगों को? देगी महाराज। अच्छा आइडिया दिया है महाराज आपने, अब हम यही करने वाले हैं। जिनके मन में ऐसा भाव आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात, और जिनके मन में ऐसा अभी भी लग रहा है कि हमको ऐसा करेंगे, हम तो महाराज की बात एक कान से सुनी और दूसरी कान से निकाल दी। आप मेरी बात को कान से तो निकाल सकते हैं, लेकिन कर्मों के बंधन को अपने परिणामों से कभी निकाल नहीं सकते बंधन। जब आप किसी बड़ी बड़ी होटलों में किसी विशेष प्रकार के आयोजन को करते हैं, उस वक्त पाप करते वक्त जो आपके मन के अंदर खुशी होती है, उस खुशी से आपको जिस तरीके के कर्म का बंध होता है आप सोच भी नहीं सकते। हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप जैन दर्शन में प्रमुखता से कहे गए। लेकिन ये 5 ही पाप हैं ऐसा नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पाप जैन दर्शन की पृष्ठभूमियों पर लिखे गए हैं। सन्नाओति लेस्या इंदी वसदा या अठरुद्दाणी नानम चुपउत्तम मोहो पावप पदा होदी, ये गाथा भी आचार्यों ने ग्रंथों पे लिखी है। उन्होंने कहा है कि 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, 3 लेश्या कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, इंद्रियों की अवश्यता, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी वैभव के विलासता भोगी बन गए, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत इंद्री, सन्नाओ तिलेश्या इंदी वसदा या अठरुद्यानी, आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान, ज्ञान का दुरुपयोग, ये सब भी पाप बंध का कारण है। इसमें क्या होता है, हम करते क्या हैं? जब हम होटल में गए, अब वहाँ पे जुआ खेल रहे, चलो किसी के कहने पर हमने कहा महाराज हमारे खेलने का मन नहीं था, अब वो मान नहीं रहे थे तो हमको पत्ते मजबूरन उठाने पड़े, मजबूरी मान ली, चलो तुम्हारी छूट है। लेकिन जब आपको मजबूरी में भी पत्ते खेलते वक्त इधर जो खुशी मिलती है ना, पाप करते वक्त, पाप करना अलग बात, और पाप करते वक्त अंदर पे खुशी जो पैदा होती है, उससे जब नरक गति का बंद होता है तब अगली पर्याय में समझ में आता है, और उसके थोड़े थोड़े लक्षण तो इसी पर्याय में दिखाई देने लगते हैं। अगली पर्याय में तो कष्ट भोगेंगे ये तो पक्का है ही, लेकिन जिन लोगों को पाप करने पर बहुत खुशी होती है, मच्छर मारे खुशी हो गए, किसी का गला रेत दिया खुश हो गए, किसी जानवर की हिंसा कर दी चुपचाप खाया और खुश हो गए, पाप करते हों और खुश भी होते हों, ये 2 बड़ी कंट्रोवर्सी है। कभी मजबूरी में किसी को कोड़ा मारना पड़ा और किसी को कोड़ा मारा और खुश, है तेरी और तेरी और तेरी और तेरी और, बार बार आप जो करते हैं, हिंसा करने पर जो खुशी होती है, झूठ बोलने पर जो खुशी होती है, गलती करने के बाद, गलती तो कर दी लेकिन गलती करने के बाद जो मन के अंदर प्रसन्नता होती है, देखना अब बताएंगे इसको, वो प्रसन्नता आपको नरक में ले जाने का कारण बनती है, ध्यान रखिएगा। जब आप
बड़े बड़े किसी रेस्टोरेंट में, रेस्तरा में, होटलों में, विदेशों में जा कर के इस तरीके अपने हृदय को खुश करने का प्रयास करते हैं, वस्तुएं थोड़ी सी रहती हैं, मांसाहारी होटलों में खाया गई सलाद भी आपके लिए पाप बंद का कारण है, ध्यान रखिएगा। महाराज हम सलाद खा के आए, स्थान कौन सा था? नॉन वेजिटेरियन होटल में आपने पानी भी पिया है तो वो पानी भी आपको क्या मदरा या किसी रक्त पान के जैसा ही है बंधु? क्यों महाराज है? स्थान का दोष भी आपके माथे चढ़ चढ़ के बोलेगा। जैन कुल में अच्छे घरों में जन्म लेना, और जैन कुलों में भी कई ऐसे कुल होंगे जिनके घर के अंदर फर्श के अंदर मिट्टी बिछी हुई है, साफ नहीं कर पा रहे, बुरा लगता है कि नहीं? लगता है महाराज। जब छप्पर छूती है, घर के अंदर की गैया बाहर खड़ी रहती है, जब घर के अंदर गरीबी रहती है, खाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। महाराष्ट्र में जाकर के हमने ऐसे ऐसे घर देखे, एक दीवार खड़ी कर दी, तीन दीवार खड़ी करने का पैसा नहीं था तो फट्टी लगाई जैन समाज के लोगों ने, उसके ऊपर बांस की बल्ली डाल करके टीन शेड डाला और उसमें रह रहे हैं। पूछा उनसे सर्वज्ञ केवली से, कौन सा पाप किया था? हिंसा तो करी, हिंसा करने के बाद खुशी में झूम उठे, खूब मारा, एक पत्थर मारा, पत्थर मारने पर जब सामने वाले का सर फूटा और हमारे मन के अंदर जो खुशी के परिणाम पैदा हुए, कालांतर में प्राश्चित कर भी लिया, लेकिन प्राश्चित से जब पूरा कर्म नहीं कटा तो प्राश्चित करने पर जैन कुल मिला और पूरा कर्म नहीं कटा इसलिए गरीबी मिली। आज गरीबी भोग रहे हैं, महाराष्ट्र भोग रहा है, मध्य प्रदेश भोग रहा है, राजस्थान भोग रहा है, दुनिया में जितने भी संपन्न, दयावान, करुणावान, दयाशील लोग अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन की एक करुणों में कहानी है बंधुओं, कि हम बुरा करने के बाद उसमें खुश भी होते हैं। अपने घर के अंदर भी किसी को मार दिया, मारने के बाद बहुत खुश होते हैं, देखा? जैसा भोजन करने पर शरीर आपका भोजन कंज्यूम करता है, ऐसे ही परिणाम भी आत्मा कंज्यूम करती है, और आत्मा जब उन परिणामों को कंज्यूम करती है और कर्म बंध को बांधती है, थोड़ी देर में सही और थोड़ी दिनों बाद भी सही, और कुछ पर्याय के बाद भी जब वो कर्म उदय में आता है, तब उस भोगे हुए उदय में आए हुए कर्म को कोई सहारा नहीं मिलता बंधु। आचार्य बार बार कहते हैं पूर्व बोध की जैन दर्शन में बहुत कीमत है। किसी मांसाहारी के घर के अंदर की साफ सुथरी गिलास में भी अगर आपने पानी पी लिया तो भी आप मदिरापान और रक्तपान करने के भागीदार माने जाएंगे। जैन कुल का व्यक्ति किसी मांसाहारी के घर का भोजन नहीं खाता। हमारे साथ जब घटना घटी थी पहली बार, जीवन भर याद रहेगी वो बात, कि पता नहीं कौन भाव का पुण्य बाकी था और किसी कर्म ने बचा लिया। किसी बंगाली के यहाँ हम गए भोजन करने के लिए, मतलब बुलाया कि चलो हमारे यहाँ पार्टी है, पार्टी में आना है, चले गए, उसने खाने के लिए सेव दे दिया, एक कप चाय दे दी, चाय के साथ थोड़े स्नैक्स में सेव दे दिया। अब खड़े होकर के सब हमको देख रहे हैं और हंस रहे। हमने कहा क्यों हंस रहे सब कोई? तो वो बोलता अरे खा ना तू, तेरा क्या जाता है, तू तो खा। अब लगा जब किसी ने कहा खा खा तो फिर शंका पैदा हुई, चाय का कप तो मुंह में लगा लिया, लेकिन जब सेव उठाया तो दूसरे लोग तो देख रहे थे। वृद्ध महिला बोलती है बेटा सेव तुम्हारे खाने लायक नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले ये सेव में, बेसन में हम अंडा फेंट करके मिलाते हैं, अंडा फेंट करके सेव में, पहली बार सुना हमने। हमने कहा बेसन के सेव जब बनते हैं उसमें तो नमक मिर्ची मिलाते हैं, जीरा मिलाते हैं, अजवाइन मिलाते हैं, अच्छी चीज़ें मिलाते हैं, आप अंडा मिलाते हैं? बोले हाँ बेटा, अंडा मिला देने से बरसात के दिनों में वो सेव 20 दिन तक 25 दिन तक चल जाता है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में मर्यादा बताई गई, कितने दिन की? 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, ठंडी के दिनों में 15 दिन की चली गई, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब उनको वहाँ पर अपने उस भोज्य पदार्थ की मर्यादा बढ़ानी पड़ती है किसी नॉन वेजिटेरियंस फैमिली को, उसको थोड़ी पता कि 3 दिन की मर्यादा के बाद जीव पड़ जाएंगे, उनको तो टेस्ट बदल गया, अब क्या करें? तो इसमें एक अंडा मिला दो, अंडे मिलाने से उसमें पूरी कोटिंग हो गई, अब वो बेसन के ऊपर शाइनिंग के साथ एक कोट दिखाई दे रहा है,
जो बाजार की पेस्ट्री पे मिलता है, मैकडॉनल्ड्स के केक में मिलता है, आपके दूसरी चीज़ों में मिलता है, उन सब चीज़ों में, आपकी आइसक्रीम में मिलता है, जितने जंक फूड और फास्ट फूड हैं सब में मिलता है बंदो। और सिर्फ अंडा ही नहीं, दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। आप उन सब चीज़ों को आपने उसमें यूज़ कर लिया, चुपचाप खा लिया, खा तो लिया, आनंद भी मना लिया, क्या टेस्टी है आनंद, जो खुशी है ना पाप करने के बाद की, ये आपको अगली पर्याय में या इसी पर्याय में नरक का अनुभव बहुत जल्दी मना करा देगी। पंचम काल में पाप की उदीर्णा कैसे होती है, पाप के फल मिलने के अजीब अजीब, जैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट आते हैं ना, ऐसे पाप के भी नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। एक पाप का नया वेरिएंट बताता हूँ। मान लीजिए आपने बहुत पाप किया, खूब हिंसा करी, खूब नॉनवेज खाया, खूब ऑमलेट खाया, खूब आपने बकरे का मांस खाया, जैन कुल में आने के बाद या किसी भी कुल में आपने खूब पाप किया, गोली चलाई, पत्ते खेले, शराब पी, सातों व्यसन किए, परस्त्री गमन किया। हाँ महाराज, पांचों सातों पाप कर लिया आपने खूब जी भर के। अब क्या करें महाराज, हमारे जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप का नया वेरिएंट, कैसा पाप फलता है हम आपको बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा। पाप का नया वेरिएंट ये है कि पाप करेगा लड़का और दुख भोगेगी माँ। पाप का नया वेरिएंट ये है कि आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, सबसे पहले आपका पाप उसके जीवन में फलित होगा। हम अपनी पत्नी को चाहते हैं, पता चला पत्नी को कैंसर हो गया, अब क्या करें, हम शराबी, हम कबाबी, हम जुआरी, हमने ड्रग्स ले ली, हमने परस्ती गमन किया। अब कोई बोले भी कि भैया मंदिर जाकर के भगवान का अभिषेक करके शांति धारा कर लो, आत्मा अंदर से बोलती नहीं कि हम इतने पापी हैं कि भगवान की प्रतिमा को छू लें। अब क्या है पाप का नया वेरिएंट, पाप करेंगे आप, सबसे पहले वो पाप आपको इष्ट वियोग कराएगा। इष्ट वियोग कैसे कराएगा, आप जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं सबसे पहले वो बीमार पड़ेगा। उसको डायबिटिक हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसको बैकबोन की टीबी हो गई, उसकी आंख में कैंसर हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, वो पैरालाइज हो गई। अब आप संकलेश में पहले घुट घुट के मरिए, पाप का नया वेरिएंट है पंचम काल का। अब जिसको हम चाहते थे उसको तकलीफ हो गई, अब उसके कारण हमको भी तकलीफ है। अरे यार, माँ को तकलीफ हो गई, पत्नी को तकलीफ हो गई, पिता को हो गई, बच्चे को हो गई, वो पेट का बच्चा बेचारा वो अंदर बैठा है अभी बाहर नहीं आया, उसको कैंसर हो गया तुम्हारे पाप के चक्कर में। नए वेरिएंट हैं, जैसे कोरोना के आते हैं ऐसे पाप के आने लगे आजकल। वो पाप के नए वेरिएंट कैसे फलते हैं, पहले माँ को तड़पन होगी, तड़प तड़प के, तड़प तड़प के, तड़प तड़प के माँ डेढ़ साल तक इलाज कराएगी। इलाज कराने के बाद जब तुम्हारा 15-20 लाख खर्चा हो जाएगा, जब ठीक होने की कंडीशन आएगी तो माँ एक दिन मर जाएगी। पहले पापी की माँ गई, फिर पापी का बच्चा गया, फिर पापी की पत्नी को बीमारी पड़ी, फिर बाद में मुड़ फोड़ करके पापी बोलता है, महाराज हमने ऐसा कौन सा पाप किया, हमारे साथ ऐसा दुख हो रहा है। अब समझ में आता है, जब वो प्लेट में बिरयानी खा रहे थे चाव के साथ, और जब किसी बकरी के बच्चे का छोटा छोटा मांस का टुकड़ा उसके साथ तुम पेट में चबा गए, जब पेस्ट्री में चबा गए, जब तुम केक में चबा गए, तो जब तुम आइसक्रीम में चबा गए, उस समय तुमको अब तुम्हारा पाप नहीं दिखा, तब तुम मुस्कुरा रहे थे। अब जब वो पाप फल करके सामने आया, तो पहले माँ की छाती काट दी गई, उसके बाद बहन की रीढ़ की हड्डी निकाल दी गई, फिर बच्चे की आंखें निकाल दी गई, बच्चा बेचारा बहरा पैदा हुआ, ऐसा बच्चा पैदा हुआ बाई बर्थ, ऐसा लटका हुआ है, ऊपर देख रहा है लार बह रही है, वो सिर्फ अपना कर्म नहीं भोग रहा, उसका पुण्य तो बहुत तेज है बच्चे का, कि उसको अच्छे माता पिता मिले, संपन्न माता पिता मिले, समझदार माता पिता मिले, बच्चे का तो बहुत तेज पुण्य। लेकिन माँ बाप का इतने पाप कर्म का उदय कि 40 साल तक वो बच्चे का लेड बास साफ करते रहो। क्यों, तुम पाप करो, करो तुम पाप, जब तुम्हारी माँ के ऊपर फलेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हमारा पाप हमारी माँ को फल गया। पाप के नए नए वेरिएंट आ गए हैं, हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, खुशी करो, परिग्रह करो, नॉनवेज खाओ, होटल में जाओ, दारू पियो, शराब पियो, गुटखा खाओ, खाओ खूब खाओ, लेकिन जब वो फलेगा तुम्हारे पिता के ऊपर, तुम्हारी माँ के ऊपर, तुम्हारे भाई के ऊपर, तब तुम्हारी आत्मा कांपेगी कि महाराज घर बेच करके माँ का इलाज कराया, माँ भी गई, पैसा भी गया, अब मैं भी जा रहा हूँ। इससे अच्छा है साधु की बात सुनो और समझो,
और सीखो इस बात को, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हरी, सुबह सो के उठो, मंदिर जाओ, मंदिर जाकर के पूजा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जितने भी पाप हमने कर लिए हैं इस पाप का फल मुझको मिले, मेरे परिवार को ना मिले। तुम भोगते कोई बात नहीं थी, तुम्हारे पाप का फल पूरा परिवार भोगे, कितनी बुरी बात है। रावण ने छोटा सा पाप किया था सीता को उठाने मात्र का, फल पूरी पूरी सेना को भोगना पड़ा, अक्षौणी की सेना मारी गई। बंधुओं ऐसा कोई पाप मत करना घर के अंदर रह करके। ये नए जवानी के जो पौधे हमारे घर के अंदर बढ़ रहे हैं, जो ग्रंथों को हाथ नहीं लगाते, कम से कम मेरी बात भी सुन करके शराब के ठेके में कोई भी जैन समाज का व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाएगा, नॉनवेज की होटल में नहीं जाएगा, कहीं नहीं खाएगा। खाओगे तो तुम ध्यान रखना, पाप का नया वेरिएंट है, नए वेरिएंट में पाप करोगे तुम छुप करके, और छप करके जब आएगा तुम्हारी माँ के ऊपर, तब तुमको याद आएगी हमारी बात कि विनम सागर महाराज ने कहा था कि छुप कर भी हम पाप करेंगे, छुप करके भी ड्रग्स पिएंगे, दूसरी के बेटी का अपहरण करेंगे, बलात्कार करेंगे, फ्लर्टिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे अपराध, बेटी हो या बेटा, जवान हो या बूढ़ा, लेकिन पाप का नया वेरिएंट करेंगे हम, फलेगा हमारे बच्चे के ऊपर, करेंगे हम, फलेगा हमारे पिता के ऊपर, करेंगे हम, फलेगा हमारी पत्नी के ऊपर। सबसे पहले वो मरेगा तुम्हारे पाप के कारण, जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। फिर संपत्ति नष्ट होगी, फिर तुम्हारी मानसिकता नष्ट होगी, बाद में तुम नष्ट होगे। आज पाप अकेला एक आदमी को नहीं मारता, पूरे परिवार का समूल नाश करके निकलता है। जैन दर्शन में पूर्व बोध की व्यवस्था है। छोटा सा बच्चा मेरी बात सुन रहा हो या बड़ा, बूढ़ा सुन रहा हो, कोई भी व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहा हो, आज से संकल्प कर ले कि हम किसी भी कीमत में जैन दर्शन के वे जो सप्त व्यसन हैं, वे सात में से एक भी व्यसन नहीं करेंगे। अगर आपने किया, करिए। फिर आपने खुशी मनाई, मना लीजिए। शराब पीने की खुशी है, दारू पीने की खुशी है, अंडा मुर्गा खाने की, ऑमलेट खाने की, जो जैन समाज के लोगों को बड़ी खुशी मिलने लगी है, नॉनवेज होटलों में बजा करके खाने की खुशी मिलने लगी है, खूब खुशी होइए, खूब अच्छी बात है आपके लिए होगी। लेकिन जब इसका पाप फलेगा ना, तो सबसे पहले तुम्हारी माँ जाएगी, फिर पिता, फिर संपत्ति, फिर पुत्र, फिर पत्नी, लास्ट में जो सबका दर्द झेल चुके होगे, उसके बाद तुम्हारी मौत होगी, फिर तुम नरक में जाओगे। आपका समय हो गया, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन कल फिर प्रयास करूँगा इस बात को बताने के लिए कि कितना अच्छा होता कि शुरुआत जो मैंने गाथा से करी थी कि हमारे जीवन में सुख मिले, दुख मिले, संपत्ति मिले, विपत्ति मिले, लाभ मिले, हानि मिले, हम हर चीज़ का मालिक अपने गुरु को बनाएंगे। हम जो काम गुरु के सामने नहीं कर सकते, वो काम अपने प्रभु के सामने करेंगे, अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करेंगे। अपने परिणामों को संभालने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। शब्दों को विराम देता हुआ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो, जय हो, जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूं धोक। माँ जिन वाणी भारती तोह जपो दिन नयन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।